अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ज़ैनुल सिद्दीकी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीडीएफ फाइल किसी भाई के पास मैं सीडीआर फाइल भेजता हूँ या पीडीएफ फाइल भेजता हूँ, तो किसी भाई के पास पीडीएफ फाइल पहुँच जाती है तो हमें पीडीएफ फाइल को किस तरीके से कोरल ड्रॉ में यूज़ करना है, क्योंकि किसी भाई से पीडीएफ फाइल यूज़ नहीं होती है, क्योंकि सीडीआर फाइल की पीडीएफ फाइल बना के रखेंगे हम तो वो सीडीआर फाइल में भी काम कर जाती है। तो वो वीडियो आज मैं आपको किस तरीके से हमें सीडीआर फाइल की पीडीएफ फाइल बनाकर रखनी है और उसे फिर कॉपी करके आपको खोल कर दिखाऊंगा किस तरीके से हमें ये होती है। जो पार्ट फोर आएगा ये कोरल ड्रॉ का पार्ट फोर। और गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि वो भी कोरल ड्रॉ और पिलोटर डिज़ाइन सीडीआर किस तरीके से चलाएं हम, किस तरीके से क्या क्या करना है वो देखकर सीख जाए। तो गाइज, इसमें अच्छे तरीके से पीडीएफ फाइल जो होती है ना, तो सीडीआर फाइल की जगह मैं पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ, उनसे भाई से नहीं हो पाती, तो वो उस तरीके का मैं आपको आज इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो गाइज, वीडियो करते हैं चालू। ये वीडियो आखिर तक देखें, काट काट के देखेंगे तो कोई भी आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आपको मेरे पास फ़ोन करेंगे, फिर मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि वीडियो देखकर आप सीखें। तो गाइज, वीडियो करते हैं चालू। हम वीडियो करते हैं चालू और हम देखो लेते हैं अपने कोरल ड्रॉ। ये कोरल ड्रॉ के बारे में बार बता देता हूँ मैं, कोरल ड्रॉ X8 है। अगर आप मुझसे पेन ड्राइव मंगवाते हैं तो कोरल ड्रॉ X8 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा आपको सॉफ्टवेयर, ठीक है गाइज। तो कोरल पेन ड्राइव के बारे में बता देता हूँ, मेरे पास पेन ड्राइव 17-18 हज़ार डिज़ाइन की पेन ड्राइव मिलती है, तो वो अगर चाहिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो उसके बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको वो पेन ड्राइव चाहिए तो कोरल ड्रॉ कोरल ड्रॉ 18 आपको कंपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, अब आपको पीडीएफ फाइल किस तरीके से बनाते हैं वो आपको मैं इसमें बताता हूँ। तो हम अपने डिज़ाइन खोल लेते हैं, ये देखिए ये पेन ड्राइव डिज़ाइन है मेरे, सब ये यहाँ पे सब पेन ड्राइव डिज़ाइन है। तो ये अपने पट्टे के डिज़ाइन, यहाँ से एक डिज़ाइन निकाल लेंगे अपने, ये देखिए सब सीडीआर फाइलें हैं ये, तो इन्हें हम एक पीडीएफ फाइल बनाकर दिखाएंगे और पीडीएफ फाइल फिर आपको सीडीआर फाइल में, मतलब हम फिर बात को वो किस तरीके से खोल के आपको अच्छी तरीके से दिखाएंगे। ये डिज़ाइन ले लेते हैं हम यहाँ से, ये कॉपी कर लेंगे। तो गाइज, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, आपके पास जाती है तो अगर आप X8 मतलब कोरल ड्रॉ 18 आप इंस्टॉल करवा लेंगे, तो आप जिस तरीके से ये आप ये खोलेंगे ना, तो आपका ये जैसा सॉफ्टवेयर खोला तो ये सीडीआर फाइल आपकी इस तरीके से दिखेगी। अगर आपको यहाँ पे अगर ये होगा तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे व्यू लिखा हुआ आएगा, कोरल आपकी विंडो के ऊपर के हिसाब से भी आएगा, तो ये इस तरीके से आपके खोल के दिखेंगे डिज़ाइन सीडीआर फाइल के भी और जेपीजी के इस तरीके से डिज़ाइन दिखेंगे। ये तो जेपीजी के तो दिखते ही हैं और सीडीआर फाइल के हमारे डिज़ाइन नहीं दिख पाते, तो वो आपको कोरल ड्रॉ 18 मतलब X8 अगर वो डलवाएंगे तो इस तरीके से डिज़ाइन दिखेंगे। तो हम आपको पीडीएफ फाइल बनाकर दिखाते हैं, अपना कोरल ड्रॉ X8 खोल लेंगे, इसमें करेंगे, हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ये डिज़ाइन हमारे आ चुके हैं, यहाँ से हम एक डिज़ाइन लेंगे इसे यहाँ पे, ये गाइज ये ध्यान रखना चिड़ी का, यहाँ से हम इसे इसका लॉक खोल लेंगे इस तरीके से, यहाँ से लॉक खुल गया है और इस सब करके इसे कर देंगे डिलीट। अब इस पर डिलीट कर दिया है, इसे भी डिलीट कर देंगे यहाँ से, और एक फ़ाइल हमारी ये भी डिलीट हो जाएगी। तो हम दोनों को फाइलों को इनके पीडीएफ फाइल बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो इसी तरीके से आपको मैं जो है ना धीरे धीरे आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कैसे कैसे हमें पिलोटर चलाना है। और तो गाइज़, आपको अगर कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझे मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई सी चीज़ के बारे में, तो मैं उसके बारे में भी आपको आसानी से बता दूंगा। इसे फिर हम यहाँ से लॉक कर देंगे, ठीक है गाइज। तो इसे लॉक करने के बाद हम ये ज़रा यहाँ से साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ये इसका ये चौकड़ी, जैसे हम गाइज ये चौकड़ी छोटी रह जाती है हमारी, तो ये जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका साइज़ आ जाएगा इस चौकड़ी का, तो हमें इसे इससे बड़ी करनी है। तो हमारी 50 इंच बाई 50 भी छोटी नहीं हुई है, अभी हम 100 बाई 100 की करेंगे इसको। तो ये हमारी बड़े हो गई है, तो इसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो गाइज इसमें हम कलर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से कर दिया हमने कलर, ब्लैक करें, ये करें, जेपीजी में जिस तरीके से आपको पीडीएफ फाइल भेजेंगे तो आपको किस तरीके से वहाँ पे, तो एक गाइज ये ध्यान रखना, आपको किसी को पीडीएफ फाइल भेजनी है क्योंकि मैं तो वह समझा रहा हूँ तो आपको वैसे भी समझ लेना। तो इस तरीके से हमें एक कवर करना है डिज़ाइन इसका यहाँ से, तो इससे क्या होता है अगर आप किसी को मोबाइल में भेज रहे हैं तो आपका डिज़ाइन अच्छी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से लॉक कर लेंगे, ये लॉक करने के बाद
ये फिर गाइज याद रखना, कंट्रोल ई दबाएंगे, कंट्रोल ई, ठीक है गाइज, हमारा कीपैड में कंट्रोल ई दबाने के बाद, अब ये देखिए गाइज यहाँ पे हमें जो फाइल के नाम से हमें सेव करना है पीडीएफ फाइल, तो हम तो पीडीएफ के नाम से डाल दें, पीडीएफ, पीडीएफ के नाम से डाल दिया है, पीडीएफ गिलास आर्ट, गिलास आर्ट, गिलास आर्ट डाल दिया है। और गाइज फिर नीचे ये देखिए, ये जेपीजी है, हमने जेपीजी करा था, ये जितने ऊपर लिखे हुए बने हुए हैं पेन, ये पेन ड्राइव का, तो अब हमें इसे करना है पीडीएफ फाइल। तो यहाँ पर जब फाइलें हैं, सीडीआर फाइल करनी हो, पीडीएफ फाइल करनी है, तो इसमें से आपको जो वो ढूंढ लेना है पीडीएफ फाइल कौन सा है। तो वहाँ पे पीडीएफ फाइल हमारा देख लेंगे, तो पीडीएफ, यहाँ से पीडीएफ फाइल आ गया हमारा, तो अब इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे एक्सपोर्ट हो गया है, अब इसे कर देंगे हम ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है, ये हमारा पीडीएफ फाइल हो गया। एक बार जाके हम फाइल में से इसे सेट कर देखेंगे अपनी जहाँ पर फाइल है हमारी, ये देखिए हमारी पीडीएफ फाइल आ चुकी है। तो गाइस एक बार अब हम इसमें जो ये डिज़ाइन है हमारा, तो इसे मैं आपके देखिए ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब इसे हम करेंगे नीचे, अब वहाँ से लेकर आएंगे हम इसे कॉपी करके, ये देखिए ये हमारी पीडीएफ फाइल है, इसे करेंगे हम कॉपी, ये हमारी कॉपी हो गई, ये देखिए कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाती है, तो यहाँ से इसे नीचे करेंगे, अब इसे हम डालेंगे इसमें, यहाँ से कॉपी, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये ऐसा आएगा, आप टी एक्सएल डालेंगे नीचे, ये ऐसा आएगा, तो नीचे वाले पर क्लिक करके आप ओके कर देना, ठीक है गाइस। तो आपकी देखिए पीडीएफ फाइल भी ये सीडीआर में आ जाएगी, यहाँ से लॉक खोला आपने, ये देखिए, तो अब ये लॉक खोल के अब देखिए, और गाइस ये यहाँ से ये अब आप ये चिड़ी पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आएंगे तो ये इसे दबाएंगे, ये ब्लैक कलर से ऊपर को जैसे लिफाफा होता है इस तरीके का चिन्ह आते हैं, उसे दबाएंगे आपका कलर गायब हो जाएंगे। इस तरीके के ये पीडीएफ फाइल भी आपको सीडीआर फाइल की पीडीएफ फाइल जो हुई हुई होगी, तो वो आपको आसानी से इसमें सीडीआर में भी चल जाता है। तो कुछ भाई बोलते हैं कि सीडीआर फाइल पीडीएफ फाइल भेजिए भाई, तो ये पीडीएफ फाइल में कैसे चलेगी, और हाँ सीडीआर में कैसे प्लोर चलेगी, आपको पीडीएफ सीडीआर फाइल भेजनी चाहिए। तो आपको मैं इसकी वजह से वीडियो बनाई है मैंने, ये देखिए हमारी पीडीएफ फाइल की सब फाइलें हैं, ये सब पीडीएफ फाइलें हैं, ठीक है, जितनी भी पीडीएफ हम डिज़ाइन पीडीएफ फाइल बनाते हैं सब पीडीएफ फाइल है। कोई भी मैं इसमें से देखिए एकदम से ऐसे कोई सी भी उठाकर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये आपको कॉपी करके मैं आपको इसे कभी दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ फाइल भी, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई भी अगर आपको डिज़ाइन आप कहीं से भी लेते हैं, आपको पीडीएफ फाइल भेजता है कोई, सीडीआर फाइल की बनाकर पीडीएफ फाइल भेजता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ये टेक्स्ट पर यहाँ नीचे उस पर वाले पर क्लिक नहीं करना है, हमें नीचे वाले पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ओके कर देना है, तो अपने डिज़ाइन आ गया है। तो एक डिज़ाइन देखिए ये आ गया है, तो इसे कॉपी करेंगे यहाँ से, और इस पर मैंने आपसे बता दिया चिड़ी पे ध्यान रखना है, यहाँ से कॉपी करा, और जब अगर आपका ऐसे आ रहा हो कुछ नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ से फिर दोबारा आपको क्लिक कर लेना है, और ये यहाँ से नोन आता है, एक हेयर लाइन आता है, हेयर लाइन पर क्लिक कर देना है, आपका देखिए ये डिज़ाइन सामने आ गया है। तो इस तरीके से होता है ये, तो आपको दूसरा डिज़ाइन और एक बार और दिखा देता हूँ, कभी आप सोचे कि ये ऐसा है, तो आप ये देखिए पीडीएफ फाइल है, मैं ऐसे कोई से भी उठा सकता हूँ इसमें से, ये देखिए ये उठा लिया हमने, तो यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आपको कोरल ड्रो एक्स 18 में मतलब एक्स 8, तो ये बस यहाँ का ध्यान रखना, इसका ऊपर वाले पर नीचे वाले पर क्लिक करना है पीडीएफ फाइल में, तो ये देखिए ये मिरर है, लाइट वाला मिरर, तो लाइट वाले मिरर के डिज़ाइन है। तो गाइस मेरा आज इस वीडियो में इसलिए यही बताया कि आपको पीडीएफ फाइल किस तरीके से बनानी है। तो वीडियो आखिर तक देखेंगे आप, अगर आपको समझ में नहीं आए तो शुरू में देखें, शुरू से फिर दोबारा देखें, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा हमें किस तरीके से पीडीएफ फाइल बनानी है, और पीडीएफ फाइल को किस तरीके से हमें खोलना है। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, अगर आपको कोई भी पीडीएफ फाइल डिज़ाइन भेजता है तो आप उसे सीडीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज इतने ही, अगर कल को आप में आप दूसरी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अपने चैनल पर आ चुके हैं, चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है, अब पार्ट 5 जल्दी मैं उसको पार्ट 5 भी लेकर आऊँगा कोरल ड्रॉ के ऊपर। तो कोरल ड्रॉ के ऊपर जितने भी कुछ है मैं आपको अच्छे तरीके से धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो गाइज आज इतना ही, और मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको पेन ड्राइव चाहिए तो मेरे ये पेन ड्राइव की
एक वीडियो भी है, वीडियो मैं इसमें लिंक में इस पर डाल दूंगा, वीडियो का आखिर में या आई बटन में ऊपर देख लीजिएगा, उसमें मैं वीडियो डाल दूंगा उस पर पेन ड्राइव की। ये सब डिज़ाइन के मैंने एक एक खोल कर आपको डिज़ाइन दिखाया है उसमें कि कैसे कैसे हमारा डिज़ाइन। अगर ये पेन ड्राइव चाहिए तो ये पेन ड्राइव भी मैं आपको कुरियर द्वारा आपके पास जो एड्रेस होगा आपको वहाँ पर पहुँचा दूँगा। तो गाइस आज इतना ही काफ़ी है और अगली वीडियो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।